बेटियां किस्मत से ही मिलती हैं। जी हाँ, इस बात को सच कर दिखाया एक ऐसे ग्रुप ने जो अभी तक सिर्फ फेसबुक ग्रुप के माध्यम से ही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत करने का काम कर रहा है। इसी दिशा में मॉडल टाउन इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में माँ और बेटियों ने एक साथ रैंप वॉक करके बेटी बचाने का संदेश दिया। इसके अलावा इस मौके पर बेटियों ने माँ बेटी पर आधारित कविताएँ सुनाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी राजीव खुराना ने किया। वहीं इस अवसर पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर के अलावा कई प्रसिद्ध समाजसेवी मुख्य रूप से मौजूद रहे। सफर आपके साथ, न्यूज के लिए इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ, मैं भी गीत सुना सकती थी कोयल की बोली में माँ, रंगों की पिचकारी लेती फागुन की होली में माँ, रंगों की पिचकारी लेती फागुन की होली में माँ, गुड़ियों का भी प्यार चाहती मैं तेरे आंगन में माँ, गुड़ियों का भी प्यार चाहती मैं तेरे।
इसका उद्देश्य यही है कि हर बेटी को इज्जत मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले, हर बेटी खुश रहे और सुखी रहे, कोई बेटी दुखी ना हो। क्या उद्देश्य रहा, क्या मन में ख्याल आया आपने इस तरह का कार्यक्रम? आज से थोड़े साल पहले एक निर्भय कांड हुआ था, रेप हुआ था दिल्ली के अंदर, बड़ा भयानक रेप था। तो मैं एक दिन अपने पूर्व सांसद जगदीश टाइडलर जी के साथ बैठा हुआ था, वो उस दिन बहुत आहत और दुखी थे जब उन्होंने मुझसे ये बात करी कि भाई ऐसे ऐसे, वो भी किसी की बेटी थी जिसका रेप कांड हुआ है और बहुत ही भयानक था वो। तो भाई साहब उससे बहुत आहत थे, तो हमने बस मन में एक ऐसा प्रोग्राम आया, मतलब मन में ऐसा वो चीज़ आई कि कुछ बेटियों के लिए किया जाए। देखिए, राजीव जी ने एक संस्था बनाई है, प्रोग्राम रखा है, चाहे टाइलर साहब के नाम से डेडिकेट किया है, परंतु ये बहुत जरूरी था आज के वक्त पे। आप देखिए, पूरे विश्व में जो लड़कियों को मान सम्मान मिलता है, उतना शायद हम हिंदुस्तान में एक मानसिक तौर पर नहीं दे पाते थे। अगर ऐसी संस्थाएं बनती हैं तो लड़कियां लड़कों से और आगे जिस तरह पढ़ाई में निकलती हैं। ये मेरे बड़े भाई राजीव खुराना जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि बेटियों को आगे लाने के लिए इससे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल नहीं सकता था। हम सबको मिलकर राजीव जी का ये शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे घरों में बेटियां हैं, बहनें हैं, उन सबके लिए जागरूकता के लिए, बेटियों की जागरूकता के लिए बहुत अच्छा ही कदम उठाया गया है। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं इतने अच्छे प्रोग्राम में आया हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सच में ऐसे प्रोग्राम आज की सोसाइटी में लोगों को करने की ज़रूरत है।